हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हमारे पास एक पेशेंट है मिस्टर एमडी आलम जी, जो कि हमारे पास बिहार से है ना, बिहार में कहाँ से? कटिहार जिला से। कटिहार से आए थे और ये इनकी सेकेंड सेटिंग है और इनके भी फर्स्ट सेटिंग हो चुकी है और इनके भी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब में पड़े हुए। और आज सेकंड सेटिंग हो जाने के बाद इनको कितना फ़ायदा है, और सबसे पहले तो ये भी जानेंगे कब और कैसे इनको एवियन हुआ, क्या कारण रहे, और फिर आज इनको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम आलम जी को नमस्कार करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों। तो बताइए कैसे आपको एवियन हुआ था और कब इसके बारे में पता चला? मेरा नाम एम डी मेहताब आलम है, मैं बिहार से कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरे को जो पहले एवियन हुआ था तो मैं उतना हमको इसके बारे में मालूम नहीं था। मैं नॉर्मल घर से मैं बाहर काम करता हूँ, उससे पहले मैं आया था घर आने के बाद तो क्रिकेट वगैरह हर चीज़ खेल रहा था, फुटबॉल भी खेला। जाने के बाद मैंने घर में रात को सोया, सोने के बाद जैसे ही सुबह उठा तो अचानक राइट साइड में पेन होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं बैठता हूँ बाथरूम पर या कहीं भी जाता हूँ तो बैठने का तो उठ नहीं पाता था, और चलने में भी दिक्कत होता था, ऊंचाई में स्टेप में नहीं ले पाते थे। तो फिर मैंने अपना नॉर्मल लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उसने पेन किलर दिया, तो महीने भर में तो मैं रिलीव हो गया। फिर मैं नॉर्मल खेलने लगा, पेन नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर पेन होने लगा तो मैं अपना सिलीगुड़ी है जो बंगाल में पड़ता है, मैं वहाँ गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर MRI कराया तो उसने बोला कि हमको एवियन है। तो मैंने तो इसको पहली बीमारी है, इसने नाम कभी सुना नहीं था कि ये कैसी बीमारी है, क्या है नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा अभी थर्ड स्टेज है और दूसरी पार में सेकेंड स्टेज है। डॉक्टर ने बोला कि अभी अगर तुम कोड डिकम्प्रेशन करा लो, अगर नहीं कराओगे तो बाद में तुम्हारी पूरी हिप रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने इस बीमारी के बारे में जाना नहीं, और हम लोगों ने हो सकता है शायद फिर बाद में हिप रिप्लेसमेंट कराना होगा तो और भी क्या लाइफ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमने डर से क्या किया, कोड डिकम्प्रेशन करा लिया। कराने के बाद भी हमको 1% की भी फायदा नहीं हुई, जो हाल रहा वही रहा, उससे और ज़्यादा हमारा बोन जो बोल था वो और ज़्यादा घिसना और ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तब लास्ट में मैंने सोचा कि ये तो ऐसे ही तो मेरा तो और हालत ख़राब है, और मैं कंप्रेशन कराने के बाद मैंने 6 महीना तक उसका दवाई भी खाया मगर कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने परेशान हो गया तो यूट्यूब में सर्च किया आखिर ये बीमारी से कोई निजात तो मिलेगा। तब यूट्यूब में सर्च करते करते हमको सर का वीडियो मिला, तो फिर मैंने सर का वीडियो देखा तो फिर हमको कुछ लगा कि नहीं शायद इससे हो सकता है। तो फिर मैंने और 2-4 वीडियो देखे, तो वीडियो देखते देखते फिर हमको लगा कि नहीं ट्रिप ये मेरा करना, ये इससे मेरा होने वाला नहीं है। तो फिर मैं सर के बात किया, सर को एक्सरे भेजने का सर बोला कि ठीक है आ जाओ यहाँ पे अपना थेरेपी करा लो। तो मैंने आया फर्स्ट सेटिंग में कराया, तो फर्स्ट सेटिंग में थोड़ा आराम हुआ था, 5% मानो कि हम बिस्तर में सोते थे तो करवट नहीं ले पाते थे और सीधा सो नहीं पाते थे। ये फर्स्ट थेरेपी कराने के बाद जो मैं आराम से नींद ले सकता था, बाकी चलने में उतना हमको इम्प्रूव नहीं हुआ मगर सोने में हमको पूरा सुकून मिल गया था। उसके बाद फिर अभी मैं दवाई खाया सर का, काढ़ा पिया और एक्सरसाइज भी किया, लाइफ भी किया और अपना जो सुबह शाम 2 टाइम एक्सरसाइज भी किया। उसके बाद फिर अपना खाने में भी ध्यान रखा, जो मतलब जो तीखा है या जो उसमें अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो भी अपना कंट्रोल किया। और उसके बाद अभी आके फिर सेकेंड सेटिंग में सर के पास लिया तो अभी हमको 50% से ज़्यादा आराम है। आराम है कि मैं चलने में तो थोड़ी है पर मगर दर्द है और मेरा बोन भी जो बोल है वो भी बनना स्टार्ट हो गया है। और अभी हमको ऐसा लगता है कि अभी हम अगर दवाई वगैरह चालू रखेंगे तो हमें लगता है मेरा पूरा जो है मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। तो अभी जैसे चलने में क्या क्या चीज़ों में आराम हुआ? पहले जैसे पेन में, पहले सोने में आराम हुआ था पहली सेटिंग में जी, दूसरी सेटिंग में तुमको चलने में थोड़ा बेटर हो गया जी, है ना? तो अब मतलब अब चल लेते हो, कोई दर्द नहीं रहता जी? नहीं, बताओ। चलने में पहले बैक साइड में बहुत दर्द हो रहा था और घुटने में दर्द हो रहा था, अभी मानो तो 5% थोड़ा बहुत दर्द है बैक साइड में भी और चलने में दर्द है, नहीं तो वो तो नॉर्मल पेन है, वो ऐसे लगता नहीं है उतना मगर दर्द नहीं है। बाकी जो अपना जॉइंट में पेन हो रहा था वो भी पेन बहुत कम हो रहा है, लगभग मतलब करीब 50-60% के आसपास। हाँ, 50-60% आसपास आराम हो गया। सेकंड सेटिंग में ज्यादा जी, सेकंड सेटिंग में बहुत ज्यादा, पहले और दूसरे में सेकंड वाले में ज्यादा जी, सेकंड वाले में बहुत ज्यादा है। हमको तो उम्मीद हम छोड़ दे कि हमारा लाइफ अब रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं डिप्रेशन में जाने वाला था। और अभी सेकेंड सेटिंग में मैं एक्सरे कराया थेरेपी कराने के बाद, और थेरेपी कराने से पहले मैं कराया था, दोनों में अभी काफ़ी है, हमको लगता है कि 40% तक दोनों एक्सरे मेरा चेंज है, काफ़ी चेंजेस है मेरा एक्सरे। ठीक है, तो मैं भी आपको इनका एक्सरे भी दिखाऊंगा इसी वीडियोस में, उसको ऐड करूंगा और आप जरूर उसमें नज़र डालिएगा पहले से और बाद के एक्सरे में कितना चेंजेस आया है।
इसके अलावा और किसी और एवियन के पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एवियन के पेशेंट को सर यही कराना बोलना चाहूँगा कि आप कोर्ट डिकम्पोजिशन मत कराइए, आप थेरेपी लीजिए सर से, सर से बात कीजिए। घबराना तो बिल्कुल नहीं है कि मेरे लाइफ बर्बाद हो गया, मैं और कुछ कर नहीं पाऊँगा, कोई काम का नहीं रहूँगा, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। आपको अपने आप में भरोसा रखना चाहिए और थेरेपी लीजिए। थेरेपी फर्स्ट सेकेंड में, फर्स्ट में उतना नहीं होगा, सेकेंड में आपको हम बोलते 60% तक आराम होना ही होना है। हमको बहुत सेकेंड सीटिंग में बहुत आराम होता है। फर्स्ट सीटिंग करा के अगर निकल जाएंगे तो आपको ना आपका फ़ायदा होगा ना डॉक्टर का, आपको मतलब पढ़ने में आपको उतना नहीं होगा। इसलिए आप धैर्य रखिए, आप सेकेंड सीटिंग भी कराइए, उसके बाद फिर आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा तो आप थर्ड सीटिंग आप खुद से खुद कराने के लिए आएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आलम जी। तो आपने इनके विचार सुने, तो कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है किसी किसी पेशेंट्स को पहली सीटिंग में बहुत फ़ायदा दिखता है, किसी को सेकंड में दिखता है। तो ये एक अलग अलग ग्रेजुअली, मतलब हर पेशेंट अलग अलग है, तो रिस्पांस भी उसी हिसाब से होता है। मेरे जो पेशेंट्स हैं जो खासतौर से जो एक सीटिंग करा गए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है कि कभी भी होपलेस मत हो, दूसरी सीटिंग तीसरी सीटिंग टाइम टू टाइम जरूर कराएं। मैं तो हालांकि शुरू से ही बता देता हूँ कि आपको कितनी सीटिंग्स लगेंगी, बट एज ए पेशेंट, पेशेंट तो पहली सीटिंग में ही इंप्रूवमेंट चाहता है। काफ़ी लोगों को दिखता है, अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप पेशेंस जरूर रखें। थेरेपी, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये टाइम टू टाइम जरूर कराएं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आगे समय तक आपको अपने हिप जॉइंट को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। टिल दैन, बाय बाय। तो ये MD आलम जी का एक्सरे है, आप इसमें देख सकते हैं कि इनकी बोन कितनी ज़्यादा वीक हो रखी है और इसमें बहुत सारे क्रिसेंट्रिक साइन है, कंडीशन इनकी ठीक नहीं है और फोर्थ ग्रेड का इनका एवियन है। ये MD आलम जी का नया एक्सरे है, नाम आप इसमें देख सकते हैं, पहले से बोन थोड़ी मजबूत हो गई है और पेन भी काफ़ी लेस हो गया है और पहले से काफ़ी बेटर कंडीशन में है। तो आ जाओ, ठीक है, एक राउंड और ले लो, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी बहुत बेटर है, पेन नहीं है, बाकी जो चलने में थोड़ा लिमिटिंग है, इसी कारण से, नहीं तो मेरा पेन भी नहीं होता तो स्टेप भी बराबर से ले सकते हो, पैर भी फ्री लग रहा है, नाइट वाला पेन भी गया और उठने करवट लेने वाला भी सब पेन चला गया है। अब मतलब पहले क्या होता है, लेफ्ट साइड में करवट लेके तो मैं सो ही नहीं पाते थे। अच्छा, इसके लिए मुझे तकिया लगाना पड़ता था, एक नीचे एक ऊपर, तब पैर। अभी वो तकिया का तो कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट नॉर्मली जैसे सोता है आदमी वैसे सो सकते हैं। ठीक है, बस अब पेल्विक टिल्ट बचा है, वो उसकी भी एक्सरसाइज करते रहो, वो भी चला जाएगा जी, है ना। नियर अबाउट 60% तुम्हारा कवर हो गया जी। ठीक है, तो हैप्पी हो सर? बहुत हैप्पी सर, ऐसा तो हैप्पी मैं आज पहली बार हुआ हूँ जब ये बीमारी हमको हुआ है। सही बात है, नहीं तुम्हारा डिप्रेशन वाला चेहरा मुझे याद है, बिल्कुल परेशान रहते थे। जी सर, ठीक, थैंक यू।